क्या आपको ये पता है कि लिंग रोज साफ करना जरूरी है? यदि आपको कैंसर से बचना है, लिंग का कैंसर, पेनिस का कैंसर, तो लिंग रोज साफ करना जरूरी है। क्या है कि लिंग को कवर होता है स्किन का, स्किन पूरा कवर रहता है, ग्लांस तक रहता है, सामने वाला जो ग्लांस पेनिस है वहाँ तक पूरा स्किन कवर रहता है। उसके नीचे स्मेग्मा मतलब शिश्नम मल जो सिक्रीशन है, वैसा देखा जाए तो हेल्दी सिक्रीशन है, वो जमा होता है चमड़ी के अंदर। और वो यदि वैसे ही जमा रखा और वो साफ सफाई रोज नहीं की तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब सूजन आ सकती है, वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है और सूजन आके वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये स्मेग्मा जो है वो एक्चुअली इजैकुलेशन नहीं है, वो कोई वीर्य नहीं है, वो एक सिक्रीशन है जो हेल्दी सिक्रीशन है, चमड़ी के नीचे जमा रहता है। तो हर व्यक्ति ने स्नान करने के समय चमड़ी पीछे करके लिंग की साफ सफाई करना जरूरी है। वैसे लिंग की साफ सफाई करो, फिर दोनों स्क्रॉटल सैक जो है स्क्रॉटम उसकी साफ सफाई करो, लेटरिन की जगह की साफ सफाई करो, पूरी साफ सफाई करना जरूरी है। क्या होता है कि कभी कभी कुछ अंडरवेयर्स अंडर क्लोज अपने ऐसे रहते हैं कि वो पॉलिएस्टर के रहते हैं, उससे कभी चीन ज़्यादा होती है, मतलब खुजली ज़्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा होता है, या फिर बहुत क्लोज और टाइट क्लोज पहनने से हवा मिलती नहीं है और वहाँ से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए रोज स्नान करने के समय साफ सफाई करना जरूरी है। कैसा पाया गया, एक स्टडीज़ में हमारे यहाँ हमने स्टडी की, उसमें हमने ये पाया गया कि जो लोग हमारे पास में पेनिस का मतलब लिंग का इन्फेक्शन है, सूजन आई हुई है, चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, चमड़ी चिपक गई है, वो लोग आए, ऐसे 10 लोगों जब मेरे पास में आए तो उनमें से 8 लोग ऐसे थे कि जो स्नान करने के समय चमड़ी पीछे करके साफ सफाई नहीं करते थे। तो साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। ये स्मेग्मा जो है उसको साफ करना जरूरी है। वाइटिश डिस्चार्ज रहता है वो सफ़ेद रंग का, और वो साफ करना बहुत जरूरी है। प्रीकम जो है वो डिफरेंट है। प्रीकम मतलब जो डिस्चार्ज होता है सेक्स करने के समय, जो इजैकुलेट आता है सेक्स करने के समय, उसके पहले जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं प्रीकम। जो मेरे पास में लोग आते हैं चिपचिपा पानी आना, तो चिपचिपा पानी आना एक्चुअली वो वीर्य नहीं रहता है, वो प्रीकम रहता है। और जो प्रीकम एक यूरिनरी ट्रैक्ट जो है मतलब पेनिस के अंदर की जो नली है उसमें का एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आता है। मतलब वीर्य पीछे से आता है और वीर्य पीछे से आता है उसके पहले वो प्रीकम आता है। प्रीकम साफ सफाई करता है पेनिस के अंदर से, पेनिस की साफ सफाई करता है और वीर्य का रास्ता क्लियर कर देता है, उसके लिए प्रीकम आता है, जिसको बोलते हैं चिपचिपा पानी आना। तो वो अलग है, हो सकता है कि वो भी जमा हो जाता है चमड़ी के अंदर नीचे और उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रीकम को साफ करना है या स्मेग्मा को साफ करना है, शिश्न मल जिसको बोलते हैं, या कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है और वो चमड़ी के नीचे अंदर वैसे ही रह जाता है, पूरा बाहर निकलता नहीं है, तो ये सभी इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन यदि हो गया मतलब सूजन आ गई अंदर से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो चमड़ी चिपक जाएगी, चमड़ी पीछे नहीं हो पाएगी, सेक्स करने में तकलीफ होगी, और चमड़ी यदि पीछे जाती नहीं और आप फोर्सफुली चमड़ी पीछे करते हैं तो फाइमोसिस होने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो ये सब चांसेस टालना है, प्रॉब्लम्स टालना है, तो डेफिनेटली स्नान करने के समय रोज कम से कम एक बार पूरा जो प्राइवेट पार्ट है वो धोना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।